दोपहर के बाद में तोड़ी गई बेलपत्र दोपहर के बाद अगर हम बेलपत्र को तोड़कर शंकर भगवान को समर्पित करते हैं तो शिव उसे स्वीकार नहीं करता। फूल सूर्य की किरण निकलती है, प्रकाश थोड़ा सा हो जाता है, थोड़ा सा उजाला हो जाए, और रात्रि सूर्य अस्त के पहले पुष्प को हम तोड़ सकते हैं, फूल हम तोड़ सकते हैं। बेलपत्र सुबह से लेकर दोपहर तक हम तोड़ सकते हैं, पर दोपहर के बाद में बेलपत्र को नहीं तोड़ा जाता। चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, द्वादशी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति, ये ऐसे पर्व हैं जिस दिन बेलपत्र को नहीं तोड़ा जाता। चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, द्वादशी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति, ये वो पर्व है जिस पर बेलपत्र को नहीं तोड़ा जाता। पुरानी बेलपत्र एक महीने पुरानी भी रखी है, पुरानी बेलपत्र मंदिर के बाहर भी अगर निर्माल्य में उतरी हुई बेलपत्र किसी डलिया में पड़ी है, बहुत सारी बेलपत्र अगर किसी ने ले जाकर निर्माल्य को कहीं ले जाकर पटक भी दिया है मंदिर के कोने में, वहां से बेलपत्र उठा लो, उसको धो लो, साफ कर लो, वापिस ले जाकर महादेव को चढ़ा दो, वो स्वीकार कर लो।